सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, यानी कि इंडिया में जो न्यू दिल्ली है वहां से बिलोंग करता हूं। और अभी फिलहाल मैं मैड्रिड में रहता हूं जो कि स्पेन की राजधानी है। सो यहां पर मैं एक कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं डेटा एनालिस्ट की। सो आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है, वो किसी ट्रैवल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है अवेयरनेस से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और ईमेल आ रहे हैं कि सर जब हम वीज़ा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा हो, उसमें जो अपोस्टाइल और जो अटेस्टेशन है वो हम कहाँ से करवाएं। उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो जो अपोस्टाइल होगा और जो वो अटेस्टेशन होगा उनके डॉक्यूमेंट्स पे वो कहाँ से करवाएं। सो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो अटेस्टेशन है एंड जो अपोस्टाइल है वो होता क्या है। सो आइए समझते हैं कि अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है। अटेस्टेशन का मतलब है कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट वीजा लगवा रहे हैं और जो आपके पास डिग्री है, जो आपने बैचलर्स करी हुई है, उस डॉक्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनलिटी है, यानी कि वो जो लीगल है या नहीं है, हो सकता है वो नकली भी हो, सो उसको प्रूव करने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट को एम्बेसी में सबमिट कराने से पहले उसको अटेस्ट करवाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी SDM हो, कोई भी DM हो उस स्टेट का, उससे आपको वहाँ से स्टैम्प और उसके सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। सो ये तो हो गया आपका अटेस्टेशन। अब आ जाते हैं अपोस्टाइल पे। अपोस्टाइल क्या होता है? अपोस्टाइल जो होता है वो स्टैंप होती है मेया की। मेया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने से पहले ये दो स्टेप होने जरूरी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया आपकी डिग्री के पीछे ये स्टैंप्स लगती हैं और ये इतनी आसानी से नहीं लगती हैं और इसमें काफी सारे चक्कर आप लोगों को काटने पड़ते हैं। सो जब मैं स्पेन आ रहा था और मेरे को कुछ इस बारे में अंदाजा नहीं था कि मेरे को कहां से अपोस्टाइल करवानी है और कहां से अटेस्टेशन करवानी है, तो मेरे पास दो डॉक्यूमेंट थे। एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा था मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री। मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। अब जब मैं एम्बेसी पहुंचा तो एम्बेसी वालों ने कहा कि ये तो वैलिड है ही नहीं, इसमें हम कैसे मान लें कि ये ओरिजिनल है। तो मैंने कहा ये तो मेरे ओरिजिनल होंगे ही, ऑब्वियसली बात है, जब मैं आपको दे रहा हूं और मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, फेक तो मेरे पास होगी नहीं। तो उन्होंने बोला आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री या आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा जो आपको इसको अटेस्ट करके दे दे और अपोस्टाइल करके दे दे। अब वक्त सिर्फ बचा था 15 दिन के आसपास कि मुझे जल्दी से जल्दी वीज़ा एप्लीकेशन अपनी सबमिट करानी थी और उन्होंने मेरे को 15 दिन का टाइम दिया। सो मैंने भी काफ़ी इंटरनेट पे सर्च किया और ढूंढने की कोशिश करी। तो इंटरनेट पे गया, मैंने सर्च किया, पोस्टाइल डाला, उसके बाद मैंने 2-3 आसपास के जो लोग होते हैं, जानकार जो होते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी सारे जानकार होते हैं, आप जानते हैं, उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सो फाइनली मैं CP गया, क्रॉट प्लेस गया, वहाँ ढूंढा, वहाँ टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं वापस आया, फिर एक और जगह है दूसरी दिल्ली में ही, द्वारका। तो द्वारका में भी काफ़ी एजेंसीज हैं, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर भी मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, मैं सर्च कर रहा था यार कहाँ से होंगे, कैसे होंगे। सो काफ़ी सारी परेशानी आई और टाइम भी बीतता चला गया और एक हफ्ता और बचा था इस वीज़ा एप्लीकेशन का सबमिट करने का। सो बाद में मेरे को पता चला कि किसी ने, मेरे जानकार ने ही बताया कि एक एजेंसी है, वहाँ से आप एक बार कॉन्टैक्ट करके देखो, क्या पता आपको ठीक लगे। सो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने जो मेरे को प्राइस बताया पर डॉक्यूमेंट का वो भी जेन्युइन था और उन्होंने बोला कि विद इन 1 वीक हम आपको करके दे देंगे। सो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, अब टाइम तो बचा है नहीं। सो मैंने यही किया और जब मेरा डॉक्यूमेंट आया तो मैंने उस पर देखा कि अच्छा ये अटेस्टेशन होती है और ये अपोस्टाइल होती है। सो ऐसे करके काफ़ी सारी टाइम वेस्ट करने के बाद और काफ़ी सारे मनी वेस्ट करने के बाद मैंने फाइनली अपना जो स्पेन आने से पहले डॉक्यूमेंट था वो अटेस्ट कराया और अपोस्टाइल कराया। उसके बाद मैं उसको एम्बेसी लेके गया, तब उन्होंने चेक किया उसको, अच्छा हाँ ठीक है, अटेस्टेशन और रखी है, अपोस्टाइल भी रखी है, चलो अब ठीक है, अब हम इसका वीज़ा प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। सो वीज़ा प्रोसेस और 7-8 दिन और लगे थे, उसके बाद मेरे को मेरा वीज़ा मिला और फिर मैं दिल्ली से फाइनली स्पेन आ गया। सो उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि सर मेरे को एक एजेंट मिला है। सो उसने मेरे को बोला कि हाँ सर फिर से इतने मांग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो मेरे को लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपको पता चले, अवेयरनेस फैले कि आप कैसे करा सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं था तो मेरे को भी कम से कम 1-1.5 महीना लग गया था, इधर उधर चक्कर काटे मैंने, पैसा खर्च किया जाने आने में, उसके बाद टाइम वेस्ट हुआ, जो फाइल थी वीज़ा फाइल थी वो डिले हो गई क्योंकि
मेरे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो पा रहे थे। सो इन सब चीजों का मुझे सामना करना पड़ा। सो ऐसा एक केस नहीं, ऐसे काफी सारे केसेस हैं जहाँ पे जो एजेंट्स हैं, जो फेक एजेंट्स हैं या फेक एजेंसीज हैं, वो आप लोगों को लूटती हैं और आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। ऐसे चक्करों में आप ना फंसे, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल रख रखा है यहाँ पे। जो अगर पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे है अटेस्टेशन और उसके बाद है अपोस्टाइल मिनिस्ट्री की। अटेस्टेशन जो होती है वो मैंने आपको बताया एसडीएम के थ्रू होती है या डीएम के थ्रू होती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें साइन होते हैं उनके और उनकी स्टैंप होती है। उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो अपोस्टाइल होती है, ये ऐसी दिखती है और ये आपको लगवानी पड़ती है। सो इन सब में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है अगर आपके पास कोई ओरिजिनल एजेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं हैसल फ्री इन चीज़ों को करना और अगर आप चाहते हैं कि आपके जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं और अपोस्टाइल हो जाएं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईएएस को, एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज, जिनका ऑफिस है मुंबई में। सो ये लोग आपको हैसल फ्री सर्विसेज देते हैं। आप घर बैठे बैठे इनको कोरियर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं, और ये आपको कोरियर के थ्रू वापस भेज देंगे आफ्टर गेटिंग इट अपोस्टाइल एंड अटेस्टेशन। सो काफी ईजी है ये करवाना अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम और आप उनसे जुड़ सकते हैं। सो एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि अपना टाइम बचाएं, अपनी मनी बचाएं और किसी जेन्युइन एजेंसी को आप कॉन्टैक्ट करें, जैसे कि आप ईएएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी बुरा रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने 1.5 महीना लगा दिया था, मेरी जो वीजा फाइल है वो डिले हो गई थी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी और यूट्यूब पर इतनी वीडियोज भी नहीं थी इस बारे में कि जो हिंदी में हमें नॉलेज दे सके। दूसरी कंट्रीज की वीडियोज काफी सारी हैं यूट्यूब पर जो मैंने देखी है, लेकिन हिंदी में कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसे ऐसे करके हम इजीली ले सकते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर किसी एजेंसी, किसी जेन्युइन एजेंसी को जाके बोलता और वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुई। फेक एजेंट्स बहुत मिले जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश करी। सो आप अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना अगर मनी बचाना चाहते हैं और आप अपना जल्दी से जल्दी वीजा पाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, चाहे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा हो, चाहे वो कोई भी वीजा हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम इजिली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। तो मैं तो स्पेन आ चुका हूँ, अगर आप भी स्पेन आना चाहते हैं या आप भी किसी और कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, स्टूडेंट हो चाहे आप, चाहे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्टी के हैं, चाहे वो आपको लीगलाइजेशन करानी है, तो आप जरूर ईएएस पे भरोसा कर सकते हैं और उनसे जाकर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, थम्स अप द वीडियो और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो में क्या पसंद आया। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है travelershirma_official। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्लॉग के साथ या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ट्रैवलर शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।